ये बिलीव करता है कि 40 दिन के फास्टिंग होने चाहिए और लेकर चलता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था शुरुआत में, कैलेंडर के हिसाब से वो एक सीरियल से बना लेते हैं। तो 40 दिन के हिसाब से जितने विश्वासी बेटे बेटियां और चर्च में 40 दिन की फास्टिंग होती है, वो 40 दिन अपने अपने घरों में, अपनी संगतियों में, घरों में प्रार्थना करते हैं। उस हिसाब से ये विश्वास करते हैं कि 40 दिन में के बीच में यीशु मसीह जिस कार्य के लिए आया था, जिस पर उसकी जिम्मेदारी थी कि यीशु मसीह सारे जगत के लिए, हम सबके गुनाहों के लिए, पापों के लिए सलीब पर जान दे, तो उसके लिए यीशु मसीह आज के दिन यरूशलेम में प्रवेश करता है। बाइबल बताती है कि एक पैटर्न बनाया जाता है कैलेंडर के हिसाब से, यहूदी कैलेंडर को रखकर, ध्यान में रखकर चीज़ों को तैयार किया जाता है। जिन चर्चों में बिलीव करते हैं कि 40 दिन की फास्टिंग हो, उस हिसाब से वो फास्टिंग को ख़त्म करने के हिसाब से, क्योंकि आने वाले दिन गुड फ्राइडे को वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो गुड फ्राइडे का मनाने के लिए यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है उससे मिलते जुलती चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, जो घटनाक्रम यीशु मसीह के साथ हुए हैं उनको जोड़ते हैं, और उसके बाद ये चीज़ें 40 दिन की फास्टिंग में होती है। अब इन 40 दिन की फास्टिंग में ये माना जाता है कि आज का दिन गुड फ्राइडे से पहला संडे, गुड फ्राइडे से जो पीछे संडे आता है, उस संडे में यीशु मसीह ऑल डेज की तरह, और दिनों की तरह अब नहीं है। अब यीशु मसीह दिखाया जाता है कि जरूसलम में अब एक बड़ी योजना के लिए प्रवेश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बाइबल का घटनाक्रम बताता है कि यीशु मसीह, जैसे आप पढ़ा होगा और सुना भी होगा सरमन, कि यीशु मसीह एक गांव में भेजते हैं कि सामने वाले गांव में चले जाओ, वहां तुम्हें एक बंदे से बोलना कि मुझे गधी का बच्चा चाहिए, है ना। वो गधी का बच्चा तुम्हें अगर देने से मना करे तो बोलना कि प्रभु को इसकी जरूरत है, और फिर यीशु मसीह उस गधी पर वो तुम्हें दे देगा। फिर वो यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर बैठता है, फिर यरूशलेम में एंटर करता है, प्रवेश करता है। ये उन घटनाक्रम से जुदा है। ये घटनाक्रम जो यीशु मसीह ने किया, ये और चीजों से विपरीत है। और दिनों में यीशु मसीह गांव गांव घूमता है, सब कुछ करता है, हीलिंग करता है, सब चीजें खिलाता है, खाना पानी चलता है, सब चीजें चलती है। लेकिन अब यीशु मसीह की मिनिस्ट्री उस खत्म होने की तैयारी में है। अब यीशु मसीह की जो सेवकाई है, जो सबसे बड़ा गठरी है पाप की, अब यीशु मसीह के कंधे पर आने वाली है। अब यीशु मसीह एक हीरो के रूप में, एक आइडल के रूप में अपने आप को तैयार करने के लिए जरूसलम में प्रवेश करता है। तो हम सब विश्वासी जो 40 दिन की फास्टिंग मानते हैं, ये विश्वास करते हैं कि आज का दिन गुड फ्राइडे से 4 दिन पीछे जो संडे पड़ता है, इसे कहते हैं पाम संडे। कौन संडे? पाम संडे। पाम का मतलब होता है खजूर, खजूर, या कहते हैं खजूर का इतवार। अगर कोई आपको कहता है कि आज खजूर का इतवार है, तो भी उनका मकसद, कहने का मतलब ये है कि वो बाइबल के अनुसार ये यकीन कर रहे हैं कि आज वो बाइबल के अनुसार ये जरूसलम में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। अगर कोई ये कहता है कि आज पैशन वीक है, ठीक है, आप खजूर का इतवार और पाम संडे और पैशन वीक, ठीक है, इन चीज़ों को अगर कोई विश्वासी आपको बोलता है, किसी चर्च में पता लगता है, उसका कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह अब अपने सेक्रीफाइस के दिन में, सेक्रीफाइस के दौर में आ चुका है, ठीक है। सेक्रीफाइस के यानी जिस काम के लिए यीशु मसीह को प्लान करके परमेश्वर पिता ने भेजा था, उस प्लान के लिए यीशु मसीह अब प्रवेश कर चुका है, ठीक है। लोगों ने हीलिंग पर बहुत प्रार्थना करते हैं, लोग हीलिंग पर प्रचार करते हैं, लोग वचन पर प्रचार करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि यीशु मसीह का जो पैशन है, यीशु मसीह का जो अंदर से एक जील है, लगन है, वो प्रचार कम होता है, ठीक है। आज का दिन ये मानते हैं कि यीशु मसीह जरूसलम में प्रवेश करता है, इसलिए खजूर का इतवार
चर्चों में मिलता है। कई कई चर्चों में आपको खजूर की क्रॉस बनी मिलती हैं, कई कई चर्चों में खजूर की डालियां आपको लगी मिलती हैं, कई कई चर्चों में खजूर से यीशु मसीह का वेलकम स्वागत करते हैं, वो अपने अपने तरीक़ों से ढाल लेते हैं, बच्चे को बना दिया या खजूर की डालियां लगा ली। ऐसा दुनिया समझ सकती है कि ये सब नौटंकी है, ये सब चीज़ें गलत हैं, नहीं होनी है। नहीं, बाइबल में यीशु मसीह कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, जो कर रहा है उसके लिए भी ठीक है, जो नहीं कर रहा है उसके लिए भी ठीक है। ठीक है जी, अगर एक को विश्वास है कि भाई ये यीशु मसीह आया, मारा गया, गढ़ गया, दोबारा क्या करना है, ठीक है जी, तुम्हारे लिए ठीक है। लेकिन जो कर रहा है ना, जो इन चीज़ों को टटकर्मों को कर रहा है, यीशु मसीह उसको भी देख रहा है। और आपको एक चीज़ बताऊं कि जो ज़्यादा करता है यीशु मसीह ज़्यादा प्यार करता है। बाइबल में यीशु मसीह ने ये कहा ना, क्या कहा, जिसका ज़्यादा माफ़ हुआ वो ज़्यादा एहसान मंद रहेगा, है ना। नॉर्मल सी बात है, अगर हमारा संसारिक तरीके कर्जा उड़ जाए, सरकार माफ़ कर दे, है ना, हाँ तो सदैव गाते फिरेंगे हम, तो वो किसी को देंगे जी, है। तो ये चीज़ है, जो कर्म कर रहा है, हाँ जी हमारे चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, अब तो खाली है जी, सब कुछ है जी, ठीक है। मैं प्रभु का वचन कहता है विश्वास और कर्म दोनों मरे हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने फास्टिंग करके दिखाया, लोग फास्टिंग में विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह ने क्रूस अपने जीवन में दुख को लेकर दिखाया, लोग पंचर हो जाते हैं जरा से दुख में, है ना, लोग जरा से दुख में पंचर हो जाते हैं। हाँ, यीशु मसीह के पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, मेरे जैसा भी खास तौर पे, हैं। खैर, प्रभु तो माफ करने वाला है, वो उन चीजों को सॉल्व कर देता है, लेकिन ये दिखाई देता है कि हम प्रभु में विश्वास में कहाँ खड़े हैं। ठीक है, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह आज अगर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम तो फास्टिंग के दिनों में, हम तो अपने दिल, आत्मा, मन, प्राण, परिवार के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं, और आज के अनुसार हम ये मानते हैं कि आज यीशु मसीह जरूसलम में प्रवेश करता है। वो दौर था जिसमें यीशु मसीह बॉडी में गधा लिया, गधे पर बैठा, और उसके बाद वो जरूसलम में प्रवेश किया। लेकिन आज विश्वास के द्वारा, आप बताइए, हर चीज विश्वास पे है यीशु मसीह में, है ना, है विश्वास में। कहते हैं जी हम तो इब्राहिम की संतान है, कहाँ से संतान हो, अगर तुम विश्वास में मान रहे हो तो फिर विश्वास में सब चीजें हैं। अगर तुम विश्वास में इब्राहिम की संतान अपने को मानते हो तो उससे बरकत लेने के लिए तुम संतान हो, यीशु मसीह के नाम से काम करने के लिए तुम संतान नहीं हो, है तो गलत तरीका है ना ये, तो तुम अपने अपनी बेनिफिट की बात करने चाहते हो। तो उसी तरीके से यीशु मसीह आज के दिन हम विश्वासियों के अनुसार, आज जरूसलेम हमारा घर है, हमारा जीवन है, हमारा दिल है, हमारा परिवार है। आज यीशु मसीह जरूसलेम अगर हम कहते हैं तो हमारे जीवन, घर, परिवार में आना चाहता है, वेलकम करता है। ठीक है, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपको कोई कहे कि आज पाम संडे है, खजूर का इतवार है, या पैशन वीक है, क्यों, क्योंकि आज के बाद मात्र संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, फ्राइडे, सिर्फ 5 दिन रह जाते हैं जीसस के सबसे भयंकर ट्रायल के। इस जमीन पर सबसे भयंकर, सबसे दयनीय स्थिति एक इंसान की होने वाली है, और वो है यीशु मसीह। उसे अच्छी तरह से पता है सब कुछ कि अब मैं जरूसलम जा रहा हूं, अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। उसे अच्छी तरह से पता है कि ऐरे गैरे नथु गैरों के लिए मुझे सलीब पर जान देनी है, फिर भी वो जा रहा है। उसे सब पता है, फिर भी, है ना, किसी ने जो गलत काम करा है उसकी सजा कोई और ले, है कहीं से मैं ठीक नहीं लगता, है ना जी, यीशु मसीह सब पता है। फिर भी बाइबल बताती है कि यीशु मसीह संडे, आज के दिन जरूसलम में प्रवेश करता है। एक पैटर्न फिर बनाया गया प्रार्थना दुआओं करके कि यीशु मसीह आपका घटनाक्रम क्या रहा। तो यीशु मसीह वो दिन नहीं पता है, लेकिन संडे यीशु मसीह हमारे जिंदा हुआ है, इसलिए यीशु मसीह ने संडे को ब्लेस किया, संडे मॉर्निंग जिंदा हुआ, इसीलिए संडे को पाम संडे मनाया जाता है। पाम संडे इन द सेंस
कि आज वो लोग विश्वास से अपने अपने चर्च में, अपने घर में, अपने जीवन में यीशु मसीह को इनवाइट करते हैं, है ना। वो चाहे खजूर की डालियां हो दिखाने के लिए, चाहे वो कपड़े बिछाए, उस दौर में इजरायली लोग कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम में वो खजूर की डालियां और वो कपड़े आध्यात्मिक तरीके से हमारी लाइफ को, हमारी जीवनों की गलतियों को है, ठीक है। आज के बाद से फिर ये पैटर्न बनाया गया कि जब जरूसलम यीशु मसीह आया, सोमवार को उसने क्या किया, मंगलवार को क्या किया, बुधवार को क्या किया, और वीरवार को क्या किया, और फ्राइडे को तो सारी दुनिया को पता है, फ्राइडे को पूरी दुनिया में खबर छप गई, है ना। और जिसने फिर जो करना था यीशु मसीह के साथ किया। ये चार दिन बहुत अहम होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पैशन वीक। पैशन समझते हैं आप लोग, पैशन होता है जील, लगन, है जुनून। ये और टीवी सीरियल भी आता था जुनून जुनून जुनून, है ना। करके मैं ये चीज को देखता हूँ कि एक एक इंसान में परमेश्वर के लिए इतना जुनून है, है ना, लेकिन प्रभु के बेटे बेटियों में जुनून उनून में कुछ नहीं होता, जुगनू बने फिरते हैं, है ना। सुनी सुनी अखियों में जुगनू चमक उठे जब से मिला यीशु तेरा प्यार, और जरा सा यीशु मसीह दाएं हुआ, छेदी लाल ने जरा सा यूं दबा दिया, ओहो जुगनू उनू सब तोते ताते सब उड़ गए तोते ताते, उसे वो जो गाना था वो भी हवा हवाई हो गया, फिर वो रह गया नाम, मेरा नाम हवा हवाई हवा हवाई, वो विश्वास में हवा हवाई हो गया, विश्वास बिल्कुल गया है। यहां से यीशु मसीह के लिए जुनून पैदा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई? बंदे इरिटेट हो जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं घुमा के कहता हूं, अभी प्रार्थना रखी 2 बजे की, कोई टाइम है दुआ का? 5 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, है? बंदे इरिटेट हो गए। अच्छा ये बताओ, हम सब वो टाइम से बंदे चाहते हैं, भैया प्रार्थना खत्म कर, 1 घंटे में खा खू के निकले पहुंचे अपने घर। हर बंदा चाहता है, अरे चाहता नहीं चाहता, हर बंदा चाहता है कि टाइम से अपने घर पहुंच जाए सुख शांति के साथ, प्रभु तेरा धन्यवाद कर ले। अरे हर बंदा चाहता है, ड्यूटी से जाएगा ड्यूटी भी सोचेगा प्रभु टाइम से ड्यूटी पहुंच गया धन्यवाद, ड्यूटी से घर निकलेगा प्रभु घर से पहुंच गया धन्यवाद, खाना खाएगा धन्यवाद, चक्कर तानेगा धन्यवाद, हर बंदा चाहता है ना। अब ये बीच में ये यीशु मसीह जब अड़ जाता है ना, कहता है हाँ 2 बजे रखी है ठीक, मैं तो 4 बजे आऊँगा, कर लो क्या करोगे। अब वो 4 बजे के खेल में देखता है, अरे भाई कहीं बाल खड़े हो गए, और दूसरे बहन भाई कान हो गई, डिश डिश डिश, ओ भाई साहब बंदे बैठे हुए हैं इरीटेट होके, प्रार्थना है मन नहीं है, समय फोन आ जा रहे हैं, ये आ जा रहे हैं वो जा रहे हैं, ये सब चीज़ें यीशु मसीह संसार में हमें सिखाना चाहता है, ठीक है। सीखने को बहुत कुछ है, ना सीखने वालों के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। बंदा इरीटेट है तो इरीटेट रहेगा, ऐसे मैंने क्योंकि मैंने लाइफ में ऐसे करके पाया है 0/0। और जब यीशु मसीह को इंजॉय किया, जब यीशु मसीह को अपनी लाइफ में जुनून बनाया, तब यीशु मसीह रॉकेट की तरह लेके गया, घर में पहुंचा, प्रभु रात के 12 बज रहे हैं, अरे चिंता है चकदे फटे 90 किल्ली, कल 12 बजे घर से प्रार्थना में निकल रहा है ना, बाबू जी जैसे रोड पे पहुंचे, हाँ जी कहाँ जा रहे हैं भैया, माता छोड़ दो, हाँ बैठो भाई ना पहुंचे। प्रभु अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा, प्रभु अपने स्वर्गदूतों का लोगों का इंतजाम अपने लिए करता है, बहुत सारी चीजों को करता है, लेकिन ये है कि प्रभु के बेटे और बेटियां विश्वास में कहीं ना कहीं अपने आप को डावाडोल कर लेते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो डावाडोल होते हैं, है ना, दुचित्ते बन जाते हैं। दुचित्ते समझते हैं आप? दो नाव पे सवार, ठीक है। तो मैंने यीशु मसीह से पैशन विकसित सीखा कि यीशु मसीह ये 4 दिन आपको और मुझे पता हो, है मुझे और आपको पता हो भाई, 4 दिन बाद तेरी नौकरी नमस्ते होने वाली है, या हमें ये पता हो डॉक्टर साहब ने बोल दिया हो भाई तुम्हारा जो अजीज है घर पे ले जाओ
चार पांच दिन का मेहमान है, सोचो आप लोग कैसे कुड़कुड़ के करोगे काम से? लेकिन यीशु मसीह से सीखने को ये मिलता है, इंजॉय करो। आप देखें जो मैं आपके साथ वचन शेयर करने जा रहा हूँ, आप देखें यीशु मसीह को रत्ती भर भी उसको ये किसी को भनक नहीं लगने दी कि आने वाले चार दिन में मेरे साथ क्या होने वाला है। अब मुझे और आपको पता लग जाए ना बाबूजी, वो रास्ता ही छोड़ देंगे। मान लो किसी में मतलब खुदा ना खास्ता किसी की लड़ाई झगड़ा हो जाए, है ना, बंदे को अंदर से पतीले के लिए पत्नी कहेगी ना 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 उधर रास्ते से मत जाना, है भैया कहीं हो जाए गलत सलत तुम्हारे साथ, है ना जी, बंदे को रास्ते बदलवा देंगे। हालांकि उन्हें ये आई मैं भरत व्रत सब रख रही हूँ, तीर कमान भाला धनुष सब दे रही हूँ, फिर भी डर लग रहता है कि नहीं कुछ ना कुछ हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, है ना, फिर भी लोग रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह के विषय में एक कामिल खुदा कामिल इंसान होते हुए वो अपने मुझ तक और आप तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करता है कि अगर मेरे और आपके जीवन में फेथ है, फेथ यानी विश्वास है, ये विश्वास दिल और दिमाग पर कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। दिल और दिमाग पर दुष्ट को इन बातों का प्रभाव, ये यही तो मेरी और आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा करता है वो, ठीक है, कि भैया तुझे प्रार्थना में जा तो रही है, टाइम से निकलेगा, टाइम से निकल जाएगा, मैं देखो मैं निकला गड्डी लेके बीच रास्ते में दुष्ट आत्मा आ गया, है क्या करता, बहन को छोड़ कर आ जाता है? नहीं। तो ये चीजें होती हैं, खुदा से प्यार है, खुदा के लिए जुनून है, नहीं हम क्यों पीछे हटेंगे, दुष्ट तू पीछे हटेगा। और यीशु मसीह में वो दुष्ट उसके जीवन से आ रहा, ठीक हो गई, प्रभु का धन्यवाद करा, दो चार और प्रार्थना करी, फिर आगे बढ़ गए। बहुत सारी चीजें, ये चीजें आपको उन संगति और उन चीजों में सीखने को नहीं मिल सकती जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाता है। चलिए खुदा का धन्यवाद करते हैं, एक वचन देखते हैं पाम संडे से संबंधित, खजूर के इतवार से संबंधित, जो है यूहन्ना 12 अध्याय 12 से 19 आयत तक। अभी मैं सुबह मीना बहन के घर में इस बात का प्रचार करके आया हूँ, उस विषय पर थोड़ा सा मनन किया था, वो बहन को 12 से 19 यूहन्ना 12 अध्याय 12 से 19। तो मीना बहन कहते हैं कि मैं सुबह जब मॉर्निंग प्रेयर कर रही थी तो यीशु मसीह ने आज इसी वचन से बात करी, मगर लो मुझे तो पता भी नहीं था मैं इस वचन से प्रचार करने आया हूँ। हाँ जी यही है यूहन्ना 12 अध्याय 12 से 19, कोई भी भाई बहन पढ़ दे। एक एक वचन के साथ साथ चलेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने यह सुना जीसस यरूशलेम आ रहा है। अब हुआ क्या है कि यहूदियों का एक पर्व होता था फसह का पर्व, जिसमें फसह का पर्व का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको ये बता दूं कि मूसा साहब जब मिस्र में थे, मिस्र में से इसराइलियों को जब निकाल कर लाए थे तो परमेश्वर ने लाल सागर को दो ही भाग में बांटा, जैसे ये दो दीवारें हैं ऐसे खड़ी करके बीच में रास्ता बना दिया, ठीक है, सारे इसराइली पार हो गए, पीछे पीछे फिरौन की सेना आई, फिरौन के चल भैया हमें पकड़ लाते हैं, परमेश्वर जैसे ही वो पार हुए उनका एक मुर्गी भी उसने खींच ली, है ना, जो इसराइली गोत्र वाला मेरी मुर्गी लास्ट वो बची है, उनने मुर्गी भी ले ली, है ना। उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने पानी ज्यों का त्यों कर दिया, पूरी फिरौन सेना जब तक वो मुर्गी भी अंदर लेता वो लास्ट वाला भी पारा जो भाला लेके अंकल जी मैं भी नहीं छोड़ूंगा मार के रहूंगा, हमारे सारे बंदे हमारे सारे बेटों को मार दिया, वो बाबूजी भी लगे पड़े 90 साल के वो भी घुस गया पानी के अंदर, मैं भी मारूंगा एक आध इजरायली को, इतना वो मुर्गी निकालता वो भी घुस गया उसके अंदर, सब पानी के अंदर बह गया, ठीक है।
फिर परमेश्वर जब पानी से निकला धन्यवाद करा, गाने वाने गाए, खुदा की धन्यवाद करा, स्तुति करी। फिर मूसा के जरिए परमेश्वर ने कहा आज से भाई एक चीज और सुन लो, नियम बना देना फसह का पर्व हर इसराइली मनाएगा। अच्छा क्यों मनाएगा, क्यों मनाएगा? वो इसलिए मनाएगा कि 2 घंटे पहले तुम निकाल के आए हो लाल सागर में। अच्छा हाँ ये तो है बात, ठीक है, इसलिए सारे इसराइली फसह का पर्व मनाओगे इस याद की याद के लिए, ताकि तुम्हारे वंश की पीढ़ियां ना भूल जाएं। और दूसरा उसका नियम ये रहेगा कि तुम्हें बेल्ट बांधनी पड़ेगी, जूते पहनने पड़ेंगे, और जो भी घर में बकरा भेड़ ये भी हो गई फटाफट खाना पड़ेगा। आप विधि पढ़ लेना, ये ऐसा सिस्टम कब करते हैं, जूते पहन के कपड़े वड़े पहन के जल्दी लाओ कब करते हैं ऐसा है? कहीं जाना हो है ना, बुकिंग ट्रेन की बुकिंग हो, पता लगे अभी ट्रेन तक पहुंचने तक 2 घंटे लगने वाले हैं, है ना, फटाफट झटपट। इसलिए परमेश्वर ने कहा ताकि याद रहे, पापा ये जूते वूते क्यों पहने टाइम बांध हुए, अरे ये इसराइलियों का पर्व, हमारा पर्व है, फसह का पर्व है, क्यों ये आराम से तसल्ली बैठ कर खाओ, है ना, दोंद वोंद खोल के खाओ, आराम से खाओ, हाँ जी हाँ नियम बना रहा हमारे परमेश्वर ने, क्यों बना रखा है, क्यों? क्योंकि भाई साहब वो जो रात थी ना ऐसे ही फटाफट निकले थे हम, जो भी सामान है आटा वाटा गूंदने का भी टाइम नहीं मिला था, वो भी मिस्रियों की बहनों ने बांध दिया, ओ भाई ले भाई साहब अंडे भी ले और आटा भी ले और निकलो यहाँ से, दबाओ झटपट खाओ और भागो, ठीक है। ऐसे में रात को हमें निकलना पड़ा था, ठीक है। तीसरा नियम उसका क्या था कि इजरायली पूरे संसार में कहीं भी रहे, पूरे संसार में कहीं भी रहे, फसह का पर्व लगते ही हाजिरी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए आपको, परमेश्वर का ये भी चाहिए भाई, तुम्हारा वंश तुम्हारे बाप दादे तो इसी में घुसड़े पड़े थे, निकाला था मैंने, तू कैसे बच जाएगा, ठीक है, पता लगा दादा घुसा था, पर दादा पर पोता का पर पोता घूम इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, पापा आप मना लो मैं नहीं आ सकता फसह का पर्व में। अच्छा ऐसा क्यों, कोई बीमार पड़ जाए ना आने पाए, 3 फसह के पर्व होंगे, पहले में आ गया ठीक, दूसरे में आ गया ठीक, तीसरे में नहीं आया बुला लेना और लागे पत्थरवा करके पीढ़ी खत्म करो, क्या करो नमस्ते करो उसकी। 3 फसह के पर्व में देखना कोई भी इसराइली अगर 3 फसह के तीसरे फसह के पर्व में अगर अपनी हाजिरी नहीं लगाता है तो उसको नाम काटना और डिस्ट्रॉय कर देना। इसीलिए खैर अपने खुदा से प्यार है इसराइलियों को, वो हर फसह के पर्व में इंडिया में चाहे बैठा हो वो फसह के पर्व में जाता है हाजिरी देने। यीशु मसीह के टाइम में फसह का पर्व चल रहा था, 15 दिन का होता है, ठीक है, और उससे 3-4 दिन पहले अपने अपने लोग ये भेड़ चढ़ाने वाली होती है, उसको लाते हैं, अपने घर के दरवाजे बांधते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ईद का सिस्टम होता है, समझते हैं, बकरा ईद अपने घरों में लाके खरीद के लाते हैं, 3-4 दिन वो बांधते हैं, ठीक है। उसमें भी बड़े लोचा वगैरह प्रॉब्लम थी, काढ़ा नहीं होना चाहिए, कई बंदे कहते अरे यार मुर्गा बीमार पड़ा ना यही दे दे, अंदर ही तो देना है पादरी साहब को, लंगड़ा है बीमार है टूंडा है आजकल तो वही चढ़ा देते हैं ना। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी अगर चढ़ा रहा है फसह का पर्व तो बीमार नहीं होना चाहिए। 4 दिन स्पेशली बांधने का ये था, बेटा देख लेना चढ़ाने के लिए ला रहे हो ना, कहीं पता लगा 3रे दिन लाया, 4थे दिन ही वो बकरा बेहोश पड़ा है, मतलब उसके अंदर कोई बीमारी है कोई प्रॉब्लम है तो नहीं चढ़ाना है, इसलिए वो घर में 3-4 दिन बांधा जाए। इसराइलियों में ये अवस्था थी और ये फसह का पर्व चल रहा था। अब यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जरूसलम में आता है और ये किन्होंने सुना चमन साहब 12 की 12 में क्या लिखा है? बोलना दूसरे दिन जो पर्व में आए थे उन लोगों ने सुना, अरे वहां पास में तो यीशु मसीह आया हुआ है,
अब यीशु मसीह जरूसलम में आ गया। फसह के पर्व के अंदर इजरायली भी है और यीशु मसीह भी है। जब आप यीशु मसीह की मिनिस्ट्री देखोगे तो कुछ यीशु मसीह कुछ ऐसी चीजें कर चुका है जिसमें यहूदियों के और चर्च चलाने वाले जो पादरी साहब हैं उनके पल्ले नहीं पड़े, पेट में दर्द हुआ फिर रहा उनके। कैसे? चलते चर्च के अंदर किसी को चंगा कर दिया और पेट में उनको दस्त लग गए। अरे ये चंगा वंगा के दिन भाई साहब ये चर्च में नहीं चलेगा, अपने घर में करा करो यीशु मसीह जी, दुकानदारी बाहर चलाया करो, घर में नहीं चलेगी। ठीक है, चर्च चेले जा रहे हैं तो बंदा पीछे विजन को कर रहे हैं। चेलों ने गेहूं खड़े हैं, गेहूं की बालें तोड़ दी, फट पकड़ लिया। ठीक है, फिर लिया यीशु मसीह, हाँ भाई तेरे चेलों को तो क्या सिखाता है, खड़ी बालों से बालें तोड़ रहे थे, हैं यीशु मसीह वहां बच गया। कई चीजों को उसकी उसकी स्टेटमेंट को उसके प्रचार को पकड़ते रहते थे। लिखे कोई गलत वर्ड बोलेगा ना लिख लियो, इसकी फिर पेशी करवाएंगे। हर तरीके से उसको नोटिस करते थे कि यीशु मसीह की कोई गलत बात पकड़े ताकि इसको कोड़े पड़वाएं, उसको निपटवाएं। ये हमारा विद्रोही है, हमारे समाज के लिए दुख का कारण है। तो इसराइलियों को भी पता लगा वहाँ यीशु मसीह है। फसह का पर्व चल रहा है, जरूसलम में यीशु मसीह आता है। 13वीं आयत क्या कहती है? 13वीं आयत, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, अब देखें फसह का पर्व चल रहा है, पादरी साहब लगे पड़े हैं। हाँ, 10 नंबर का टोकन उसे दो, हाँ 15 नंबर का टोकन उसे दो, आप पास्टर साहब के पास जाओ, वो करेंगे आपका। ठीक है, चर्च के अंदर अपना सिस्टम चल रहा है, बकरे को चढ़ाने का, दुआ प्रार्थना जो रीति वीति बनी है। अब यीशु मसीह एक को पता लगा, यीशु मसीह आया वो उस साइड, एक को पता लगा दूसरा वो वहीं छोड़ के चला गया। भाई साहब एक मिनट, आया नहीं, आया दूसरा गैर हाँ जी बताइए आप, उन्हें पता लगा यीशु, भाई साहब रुको अभी अभी रुको मैं आया। अच्छा, वो भी निपट लिया। धीरे धीरे एक गायब, दो गायब, 10 गायब, 20 गायब, ये सारे पादरी साहब जा कहाँ आ रहे हैं? अरे वही आया, वो आया दाढ़ी वाला, वो आ गया वो बाबू। कौन? अरे वही गलील का नासरत। यीशु मसीह को अच्छा थोड़ी ना मानते थे, तभी तो कहते हैं कि गलील के नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है। मतलब एक तरह से लोअर तबके का एरिया था, जैसे हमारे जो शेड्यूल कास्ट भाई बहन है उस नगर में रहते थे। यीशु मसीह का बाप तो वैसे ही खर 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 वाले थे। कौन दिखते थे? हाँ बड़ाई, हाँ बड़ाई है ना। 30 साल तक तो उन्होंने बड़ी बड़ी मेजें टेबलें बनाई हैं, ऑर्डर दे दे के बनवाई हैं, पापा की हेल्प की है, 10 कुर्सियाँ बनवा दी यीशु मसीह ने, 40 टेबलें बनवा दी 30 साल तक है ना। यीशु मसीह ने कहा टेबल वेबल नहीं बनेगी, अब हम यीशु मसीह की टेबल लगाएंगे, परमेश्वर पिता की टेबल लगाएंगे, है ना। वो तो 30 साल के बाद सेवकाई में उतर गए, लेकिन जो लोग देखते थे वही यही है बढ़ई। आज अपने आप को फन्ने खा बनता फिर रहा है, अपने को भविष्यवक्ता कहता फिर रहा है, अपने को हीलर बनता फिर रहा है, इसके तो हम बताते हैं क्या करते हैं। अब लोग यीशु मसीह से मिलने चले गए, पादरी साहब कल पे पड़े, बताओ 500 रुपये इस बकरे के मिलने थे, बढ़िया वाला माल था, बढ़िया वाली जांग और इसके तो बढ़िया लेग पीस निकलता है ना, बताओ। अब हम तो इसे कटवा नहीं सकते, क्या करें? लोग अपने अपने तरीके से, कोई छोड़कर भाग गया, कोई पकड़ा रह गया, कोई चुरा के, अच्छा भाई साहब कटवा दिया ना, ठीक है मैं आया जी, वो भी निपट गया। आधी से ज्यादा जनता फसह के पर्व की यीशु मसीह के पास पहुंच गई। अब वहां पे जाके क्या कर रहे हैं लोग? वहां पे जाके क्या कर रहे हैं लोग? होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। ठीक है, उन्होंने खजूर की डालियां ली। अब वहां फसह के पर्व में तो जा रहे हैं बकरे, मेढ़े, कबूतर, एक से एक लेकर, है ना। अब यीशु मसीह के खा लिया ना, ठीक नहीं रहेगा। अब यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, अरे मेरी तो आंखें थी, मैं काना था, ठीक कर दिया। कह रहे मेरी दादी बीमार थी, ठीक कर दिया। तो यार ऐसे जाओगे प्रभु के पास? यार प्रभु है, जरूसलम है, क्या करें? अब आप
आधा तो पैसा वैसा वहाँ फंसे गए, पर मैं मंदिर में चढ़ा चुके थे, निपट चुका था। अरे क्या करें, उन्होंने कहा भाई साहब खजूर की डालियाँ लगी हैं, ये उतार लो। एक ने उतारी, उसको देखा दे, तू क्या देख रहा, तू भी उतार। दूसरे ने उतारी, उतारते उतारते एक एक के देखा देखी उतारना शुरू, है ना, खजूर की डालियाँ ली और अपने सर पे लगा ली। हैं ओहो, राहों में उसकी बिछा दी और गाना चल पड़ा, बहारों फूल बरसाओ, हमारा महबूब यीशु मसीह आया है। बिछा दिया, यहाँ तक कि खजूर की डालियां बिछा दी और उस क्या लिख बिछा दिया, कपड़े भी उतार दिए। अभी यहाँ आपके यहाँ हरियाणा में या हमारे यहाँ कहीं भी पता लगे जी केजरीवाल साहब आ रहे हैं, देखो आपने मजमा कैसे लग जाता है। पहले तो एंट्री बंद हो जाती है, गली एक गली के बाद पुलिस वाला माइक में भगा देगा, है ना, तो माया जा और भाजी में दूध लेने उधर से जाकर कॉलोनी से पीछे घूम के, है ना। अब यीशु मसीह आया तो लोगों में एक दूसरे को देख कर इंटेंशन हुई, क्या करें, प्रभु के लिए मान प्यार और इज्जत देने के लिए लोगों ने खजूर की डालियां ली, वो उसकी राहों में डाली और प्रभु ने, और जिसको खजूर की डालियां नहीं मिल पाई, वो जो पेड़ थे 2, 4, 10, 15 जो भी होंगे वो निपटा दिए, है ना, और निपटाए भी नहीं, जिसका हाथ नहीं जा पा रहा था उसने अपना गमछा हो, शॉल हो, जो एक्स्ट्रा हो, है ना, जो पादरी साहब के लाया हो, यीशु मसीह चरणों में बिछाओ भाई, यही है प्रभु, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, है ना। और भीड़ ने बिछाया और नारे मारने शुरू किए, खजूर की डालियां ये होती है कि हमारा और आपका जीवन जो हम यीशु मसीह में अर्पित करते हैं, उसके चरणों में डालते हैं, प्रभु हमारा जीवन खजूर की तरह है ना। खजूर का पेड़ देखा है आपने, हैं, कितना छोटा सा होता है ना, देखा कितना छोटा होता है, देखा बहन आपने, शायद है बड़ा सा होता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है ना, आपको दिखाएगा उसकी लेंथ क्या होती है, एक अंदाजा देखने से आपको अंदाजा लग जाएगा, है ना। कबीर दास साहब ने कहा है, दोहा बनाया कबीर दास ने, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे, फिर तना देख रहा है, फिर देख रहा फल कहाँ लगा, फल वहां पहुंचा हुआ है, गर्दन यूं गई, यूं हो गई गर्दन, है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को भी छाया वाया कुछ नहीं देता, वो पेड़ यहाँ होगा छाया वहां होगी, वो 500 मीटर पे, और वो भी छोटी सी छतरी टाइप में, टाट छुपा ले या शरीर छुपा ले, उसकी छाया ना, तो पेड़ कितना छोटा होता है, हाँ ठीक है, और ऊंचाई पे जाके फल लगता है। तो कबीरदास जी का ये दोहा है, खजूर की विशेषता इतनी शालीनता से विशेषता दी है, इंसानों में भी, इंसान भी कई बार खजूर के पेड़ है, हैं, दिखते तो बड़े सीधे हैं, ओ भाई इससे जैसा तो धार्मिक इंसान कोई नहीं है, खजूर के पत्ते उसमें तो कांटा होता है, हाँ कांटे होते हैं पत्तों में होते हैं, शैली तो बैठ जाओ उधर सामने, खजूर के पत्ते कांटे होते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने खजूर को प्रैक्टिकल रूप में इसके कांटे झेले हुए हैं। हम जब निक्के निक्के से थे प्रभु में, निक्के निक्के समझते, हाँ, तो मैं और मेरे चर्च के विश्वासी भाई, अब तो पास्टर हो गए हैं, हमारे पता है क्या टाट खुजाई, हम जब जवानी में थे, हम यहाँ आगे बापरोला गांव है, वहाँ 3 खजूर के पेड़ अभी तक टके हुए हैं, 3 खजूर के पेड़ हैं, हमें टाट खुजाई, हमने कहा आपकी यार खुजर को अतवार ना बकायदा बढ़िया तरीके से मनाएंगे, हम तीन दोस्त, एक ने आरी ली, एक ने चापड़ लिया, एक ने चाकू लिया, पूरा प्रबंध किया, फिर चल पड़े जैसे तैसे खजूर के पास पहुंचे बापरोला, फिर हम तीनों ने एक दूसरे को देखा, हमने खजूर को देखा, खजूर ने हमको देखा, हमने एक दूसरे को देखा, कहे चढ़े कौन,
हम तो सोच रहे थे पत्ते जैसे बहन इतना सा होता है, निक्का सा होता है, हमारी बराबरों का कूद के ऐसे काटेंगे हैं और लेकर अपने झोले में डालेंगे। और भाई नन्ना मुन्ना राही हूँ, दूध दूर का सिपाही हूँ, यीशु का सिपाही हूँ, घर ले आएंगे। पता लगा कि कुछ खजूर को देगा, कुछ खजूर कहे बेटे अब आया ना मेरे नीचे, आओ बेटे। कमिटमेंट करके चले थे, यीशु को कुछ जुनून दिखाना था, यीशु मसीह में जुनून चढ़ गया था, जुनून जुनून जुनून। फिर मैंने कहा भाई मैं तो यार चाह नहीं, मेरा एक भाई पास्टर साहब हैं, हैं उनका हमें हम उम्र है हम लोग ठीक है, तो वो भाई कहते मैं कोशिश करता हूँ। चढ़े वो चर्र से नीचे, चढ़े कुछ दो चार कदम थर्र से नीचे आ गए, क्योंकि उसमें पकड़ नहीं होती है। फिर उनको थोड़ा मतलब वो हो गया, अच्छा इसकी ऐसी की तैसी, ये मुझे हराएगा, हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे, हमें हराने वाले कोई नहीं है, चलो जी। फिर पंप भरा, फिर एक दूसरे में जुगत लगाई, फिर चढ़ने की कोशिश करी। अब क्यों आया बंदा धीरे 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 ऊपर करके चढ़ गया। उसकी देखा था कि मैं, हम दो भाई बच्चे थे, मैं कहा ऐसे चढ़, ऐसे चढ़ते हैं, हमने कोशिश करी, हमने वो वाला पकड़ लिया, बीच में वो टंग गया, दूसरे वो कोशिश कर रहा था ठीक है। ऊपर ऊपर जाने के बाद जैसे तैसे चढ़ गए, दो छोटा छोटा वाला था, छोटे वाले पे मैं चढ़ गया। पता लगा हाफ हाफ मेरी तो निक्कर थी, दूसरे वाले की निक्कर थी, निक्कर बोली चर्र, मेरी पैंट थी, मेरी पैंट बोली चर्र। और उसके ऊपर पहुंचने के बाद हम आर इसे पेड़ काटने के लिए चढ़े, जैसे जैसे चढ़ तो गए, अब ऊंचाई नीचे देखे तो चक्कर आने लगे ऊंचाई से देखे तो चक्कर आए, उन्होंने ऊपर से खजूर जो चढ़ते हैं रेगुलर, उन्होंने अपनी अपनी डिबियाएं लगा रखी थी ताड़ी निकालने के लिए, है ना भाई, ताड़ी निकालने के लिए डिबिया लगा रखी थी, उसमें जो रस होता है ना उनका, वो ताड़ी बनाते हैं, शराब बनती है उसकी। वो भी आया, ओए क्या कर रहे हो, ये पत्तियां चाहिए, ये मत ले डब्बे उब्बे, हाँ वो हमारे लिए और बम्बू देने खड़ा हो गया, लट तैयार है, एक भी डब्बा टूटा तो अब हम ऊपर ऊपर के ऊपर नीचे नीचे किया। इतने में जो कमीजे पहनी थी वो भी चर्र हो गई, और ऊपर से फिर खजूर ने मेरा मेरे भाई का बड़े अच्छी तरह स्वागत करा। हम जब झाड़ियों में फंस गए पत्तों के बीच में, तो इधर से कान में कभी पीछे कभी कुछ कभी कहीं, वो जो उसके पत्तों के आगे जो है ना होती है तीखापन, तीखापन और नुकीले कांटेदार होते हैं, उन्होंने हमें पता नहीं था, हमने पहली बार खजूर का वो स्वाद लिया जो ताँ उम्र जिंदगी तक आज तक मुझे याद है ठीक है। जैसे तैसे हमने पत्ते तत्ते सारे कर लिए, अनगिनत कर लिए, मतलब बहुत ज़्यादा हो गए पत्ते, उसी में चढ़ तो गए। अब चढ़ते चढ़ते उतरते उतरते ये सारे, उस भाई की भी जांघें छील चुकी थी, मेरी भी छील चुकी थी, पैंट भी उधड़ चुकी थी, बस पीछे से बच गई थी, खुदा का शुक्र है। और जैसे तैसे उठा उठू के हमने पूरा रस्सा वस्सा बांधा, और कम से कम इतना गट्ठर होगा वो, इतना गट्ठर खजूर का, और वो खींचे ना, तो हम तीन भाई वैसे ही मरे गुरे अधमरे पड़े थे। तीनों ने वो रस्ता खींचना शुरू करा, दुनिया ने तमाशा देखा ये कौन है। फिर हमने प्रार्थना करी, प्रभु हमारे बस की नहीं है कि हम तीनों हो चुके ढेर। हमने प्रार्थना करी, एक ट्रैक्टर वाला चल रहा जा रहा था, तो उसने पूछा कहाँ ले जा रहे हो, क्या है ये। हमने कहा जी ये हम चर्च में ले जा रहे हैं, हमने वहाँ पर ले जाना है। ठीक है जी, उन्होंने कहा इसमें डाल दो, पीछे जो ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है उसमें डाल दो। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु का कि यीशु मसीह ने अपने दास को, अपने किसी भी जन को भेजा। हमने लाखों धन्यवाद करा, फटी फटी हुई पैंट, छिरी जांघें, और ऊपर से नुकीले नुकीले पूरे शरीर में बोधे हुए, उनके उनके प्रेम के प्रमाण हैं। ऑस्कर मतलब मेरा भाई मुझे खिंचाए, जहाँ जहाँ खुजली नहीं होती, क्योंकि वो काटने से खुजली होती थी, मैं कहा भाई तू इधर खिंचाओ, तो खिंचाओ करते करते हम तीनों लहू लुहान होते हुए ऑटो में बैठे, मतलब उसमें ट्रॉली में डाला, सिस्टम सारा लाकर फिर आके तीनों चर्च के अंदर बेहोश हो गए। उनके मम्मी पापा ने देखा, ये है वो है, बहुत चीज़ों को बोला, डांट भी खाई, चीज़ें भी खाई, पैंट वैंट फट गई, चोटें वोटे लग गई। खैर हम प्रभु में जुनून था, किला हमने फतेह कर लिया, किला हमने फतेह कर लिया, बड़े खुश हो रहे थे देखकर।
और एक दूसरे पर हंस भी रहे थे। जब वो सारा सिस्टम हमारे सामने हो रहा था, ये वाला जब गिर रहा था, वो वाला गिर रहा था, तो हमें वो सब मजाके भी चल रही थी। खैर फिर पत्तों को रेस्ट करने के बाद पत्तों को अच्छे से एक एक पत्ता हमने पानी से धोया मशीन चलाकर, वो समर चला के। फिर हमने संडे से पहले पूरी रात उसको, पूरे चर्च को सजाया, रास्ता सजाया पूरा। जो हमारी एक इच्छा थी कि हम प्रभु का पाम संडे अच्छी तरह सेलिब्रेट करें। अगले दिन संडे में चर्च में लोग आए, देख के हम, अरे खजूरी खजूर, यहाँ से चर्च तक खजूर 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 है। तो प्रभु का धन्यवाद करें, वो हमारे लिए खुशी थी। सांसारिक तरीके से शायद वही प्रभु ने वो कमिटमेंट देखा कि आज मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभु में दिखाती हैं। तो लोगों में खजूर जीवन को दर्शाता है, ठीक है। लोग अपने कपड़े डाल लेते हैं, जीवन को दर्शाता है। हमारे अंदर जो खजूर में, खजूर की तरह हमारे अंदर कमियां हैं, घटियां हैं, है ना। फल इतना ऊंचा लगा हुआ है, कौन खाएगा उस फल को, है ना। जिसको चढ़ना आता होगा वही तो खा पाएगा, नहीं तो भाई जिसको नहीं आता होगा, अरे हार ही चढ़ाना, चल दूसरा लग जाएगा, है ना। दूसरे जिसको खाना होगा भाई हार ही चला, दूसरा लग जाएगा, चार पाँच साल बाद फिर तैयार हो जाएगा। खैर हमारे जीवन में जो खजूर है हमारी बुराइयों को दर्शाता है। हमें यीशु मसीह के चरणों में इन सब चीज़ों को डाल देना चाहिए। हमारे जो कपड़े हैं, जो मैले कुचैले हमारे काम हैं, उनको दर्शाता है। डाल देना चाहिए यीशु मसीह के चरणों में। लोगों ने डाल दिए। आपको यहाँ एक ध्यान दिलाने वाली बात ये बता रहा हूँ कि इसराइलियों का फसह का पर्व अलग चल रहा है और यीशु मसीह में प्रभु के आओ भगत यानी यीशु मसीह का जो विश्वासी बेटे बेटियां उसके साथ हैं, वो अपना अलग कर रहे हैं। दो तरह के की विचारधारा वहां पर चल पड़ी है। इजरायली और यहूदी लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। सारे आधे से ज्यादा इजरायली यीशु मसीह के दरबार में पहुंच गए और यीशु मसीह के दरबार में जाकर खजूर की डालियां डाल रहे हैं, अपने कपड़े डाल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, धन्य है तू जो प्रभु के नाम से आता है। आगे क्या कहते हैं, जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया। हाँ, जहाँ लिखा है, जैसा लिखा है, ए सुनो कि बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़कर हुआ चला आता है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अब लिखा है कि यीशु मसीह को गधे का बच्चा प्रोवाइड किया गया। ऐसे नहीं आओगे जी, रुको। कई परमेश्वर के दास या पंडित जी या केजरी सवाल साहब को अब हम बुला रहे हैं मंच पर, हमारे प्रदेश के ऐसे नहीं, अभी ये भी चीज़ बाकी है। अलग करते ना कई बार हम किसी प्रभु के दास को, किसी जन को या किसी पंडित को या किसी मौलवी साहब को बुलाते हैं तो जो चीज़ अधूरी सी लगती है उसे पूरी करने की कोशिश करते हैं ना। अब यीशु मसीह के लिए भी लोगों ने डाल तो दिए, कह रहे नहीं 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 ऐसे ऐसे पैदल नहीं आना है, ना 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 ना, हाँ हाँ जल्दी 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 जीसस पापा एक मिनट वेट करो। यीशु मसीह खड़े हुए हैं, डायलॉग बाजी कुछ नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि जो उसके बेटे बेटियां हैं पूरे तरीके से आशीष पाएं। क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि अब क्या होने वाला है, कौन सी भविष्यवाणी अब यीशु मसीह पूरी करने वाला है, यीशु को तो पता है। और जो उसके बेटे बेटियां कर रहे हैं वो चाहता है कि वो करें, खुल के करें, जुनून से करें, ठीक है। वहां इसराइली लोग व्यवस्था पर लेकर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करें यार, सारे तो वहां चलेगा, ये बड़ा लकड़ा बग्गा यहाँ डाल गए, कौन चढ़ाएगा इसे, है फसे का पर्व मनाओ। वहां यीशु मसीह के पास सारे चले गए, हाँ बताइए क्या होगा, सब एक दूसरे में कर रहे हैं। अब यीशु मसीह वहां पर कहता है कि उसके लिए गधे का बच्चा मंगाया गया। अब मरकुस 11 अध्याय पढ़ लेना या फिर लूका में पढ़ लेना, हम सब ने प्रचार किया है, हमने प्रचार सुना है जिसमें यीशु मसीह कहता है कि सामने के गांव में जाओ और उस गांव में किसी अंकल जी या आंटी जी के घर में आपको गधी का बच्चा मिलेगा बंधा हुआ, है ना, उनसे कहना कि ये बच्चा चाहिए। वो अंकल आंटी के किसने चाहिए, क्या करना है, कहना जी प्रभु को प्रयोजन है, यानी प्रयोजन का मतलब जरूरत है, प्रभु को इसकी जरूरत है, है ना। फिर वो अंकल जी तुमसे एक शब्द नहीं पूछेंगे, अच्छा ले जाओ,
ठीक है, ये वही गधी का बच्चा है जो मरकुस 11 अध्याय में और लूका में लिखा हुआ है, जिसके विषय में विवरण, ये बच्चा लाया गया गधी का बच्चा है ना। अभी जब गधी का बच्चा लाया गया, देखो वैल्यू, इंसान की वैल्यू ठीक है, गधी के रूप में यीशु मसीह करा सकता है। ये तो सारे गधे गधे के बच्चे ही हैं, उनमें सबसे बड़ा मैं हूँ गधे का बच्चा है ना। हाँ नहीं, प्रैक्टिकल तरीके से भी बता सकता हूँ और दुनियावी तरीके से, क्योंकि गधा भी सारी उम्र बोझा होता है, सारी उम्र बोझा होता है ना, और इसका देना है उसका देना है, चल भाई गधे को लगाया और चल भाई चल पड़, और सारी उम्र इंसान भी गधे की तरह ही होता है। वैल्यू इंसान की यीशु मसीह के साथ बढ़ती है। आज तक वो, कल तक जो वो गधा और वो गधी जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, बांध रखा था, ऐ दे दे खाना है, दे देंगे जड़प हट, गधे हो वो, गधे के बच्चे की भी तिरस्कार करता, उसको लात घूसे डंडे वंडे मारते थे। अब जब वो गधी का गधा गधे का बच्चा जब यीशु मसीह के पास लाया गया, अब देखना वैल्यू उसकी। यीशु मसीह तो खड़ा हुआ देख रहा है सिर्फ, वो क्या रहा है ना, लाया, लिखा है जैसा अभी पढ़ा भैया ने, ठीक है, गधी के बच्चे को लाकर अब लोगों को लगता है पूरी हो रही है बात, अब लग रहा है मजा, ठीक है, अब यीशु मसीह को गधी के बच्चे बैठा दिया, अब नारा भी चल रहा है, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, कपड़े भी बिछ रहे हैं और खजूर की डालियां भी डल रही हैं, अब वेलकम पूरा बढ़िया तरीके से हो रहा है ना, अब बढ़िया तरीके से नज़ारा दिख रहा है। लेकिन अब ये बात भी पूरी हो रही है जो जकरिया साहब थे, अब पुराने नियम से जब ख़त्म होती है जब किताब पुराने नियम की, तो उससे तीन चार किताब पहले जकरिया आते हैं, जकरिया एक नबी है, वो जकरिया नबी 9 अध्याय की 9वीं आयत को यीशु मसीह पूरा करवा रहा है इसराइलियों से, जिसमें लिखा हुआ है कि के सियोन की बेटी मत डर, तेरे लिए लादू का बच्चा है, पर एक महाराजा आता है, उस वचन को यीशु मसीह पूरा करवा रहा है, जकरिया 9:9, ठीक है, यीशु मसीह उस लादू के बच्चे पर या गधे के बच्चे पर बैठकर उस वचन को पूरा कराता है। आगे क्या लिखा है 16वीं आयत में, उसके चेले ये बातें पहले ही न समझते, हाँ जी, उसके चेले ये बातें पहले नहीं समझे थे, ये हो क्या रहा है आगे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, और लोगों ने उस पर इस प्रकार का व्यवहार किया था। देखो लिखा है उसके चेले पहले ये जो बातें हो रही थी, जो उसके साथ व्यवहार हो रहा था, नहीं समझ रहे थे, ठीक है, जैसे ही गधी के बच्चे पर यीशु मसीह बैठा, पवित्र आत्मा परमेश्वर पतरस याकूब यूहन्ना जितने भी चेले थे उनको एक बार, बाप रे बाप, अच्छा क्या हो गया, अरे ये तो वही बात पूरी हो रही है, कौन सी बात, अरे वो जो पिछले साल वो पाई साहब आए थे, वो जो जकरिया से बात कर रहे थे, प्रचार किया था, प्रचार किया था वो जकरिया में नहीं था वो, के है सियोन की बेटी मत डर लादू के बच्चे पर वो बात, अरे हाँ तो वही बात पूरी हो रही है, आज व्यवस्था यीशु मसीह ये वचन को पूरा होते हुए देख रहे हैं। कुछ चीजों को विश्वासी नहीं समझते हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा कि जब वो आएगा तो मेरी बातों में से तुमको बताएगा, कौन आएगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ठीक है, जिसे मैं अपने नाम से भेजूंगा, है ना, यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा हुआ है, 15वीं 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब वो आएगा जो मेरे नाम, मैं अपने नाम से तुम्हारे पास भेजूंगा, तो मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा, समझाएगा। तो पतरस और याकूब और यूहन्ना वो सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, वही देख रहे हैं यीशु मसीह जरूसलम में आ गया, लोग देख रहे हैं, लोग फंसे के पर में, लोगों ने सुना जीसस आ गया, पतरस देख रहा है, भीड़ की भीड़ आ रही है, अभी दो चार आए थे, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु मसीह जी, जय मसीह की, जय मसीह की, ये ग्रीटिंग्स ले रहा है, और वह एंटर करने नहीं दे रहे, लोग फंसे का पर छोड़ छोड़ कर यीशु मसीह के पास सब देख रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि डालियाँ तोड़ तोड़ कर, ये भी नोटिस कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि लोग अपने कपड़े बिछा रहे हैं, वो क्या रहा है, ये चक्कर क्या चल रहा है,
पहले यीशु मसीह पहले भी आता था जेरूशलेम, आज नई बात थोड़ी ना है, ये क्या हो रहा है। लेकिन जब प्रभु का आत्मा जब उन पर आया तब पतरस याकूब ने कहा ओहो ये बात है, कई चीजों का जीवन में सवाल नहीं मिलता है, तो यीशु मसीह के भरोसे छोड़ देना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जीवन की हर समस्या का जवाब इस किताब के अंदर है। आपको लाइफ का जवाब नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, यीशु मसीह के ऊपर डालकर छोड़ दो। लेकिन यीशु मसीह पर आप बिलीव करते हैं, यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो, तो वह आपको आपके सवाल का जवाब देकर रहेगा, और वह देता है। उन चेलों को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, लादू का बच्चा ला कर दिया, यीशु मसीह पर बैठा, दिमाग की बत्ती जल गई, हाँ बिना सेंट्रल फ्रूट खाए, है ना, दिमाग की बत्ती जलाए, हाँ देखो सेंट्रल फ्रूट भी नहीं दिया यीशु मसीह ने, जैसे यीशु मसीह बैठा दिमाग की बत्ती जल गई। ओहो पतरस, हाँ जी बोलो, वो यूहन्ना भाई, ये तो वही बात पूरी हो गई, कौन सी वाली, वही वाली जकरिया की नबूवत भी जो लिखा हुआ है जकरिया 9:9 में, आगे क्या कहता है वचन, तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे। जब उसने लाजर को कब्र से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। अब देखो इसके अंदर भेद की बात, फसे के पर्व में जैसे मैंने बताया दुनिया से भी लोग आते थे, अलग अलग कंट्री में लोग रहते हैं, काम करते हैं ना, हमारे भाई हिंदू, हमारे जो माफी चाहता हूँ, हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं सऊदी चले जाते हैं काम के लिए, है ना, अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, है तो कोई इंडियन ही है ना। उसी तरीके से जब उनके घर में तीज त्यौहार पर्व होते हैं तो आते हैं इंडिया, है ना, फिर चले जाते हैं काम पर अपने। उसी तरीके से मैंने बताया इसराइलियों के लिए भी परमेश्वर ने नियम बनाए कि कहीं पे भी काम करो, कहीं पे भी रहो, बचो, खाओ पियो, मौज लो, लेकिन जब फंसे का पर्व लगेगा आपकी एंट्री मुझे चाहिए इसराइल में, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर लिखा है कि जब भीड़ के लोगों ने जो उस समय, किस समय जिस समय प्रवेश, हाँ जिस समय ये प्रवेश कर रहे थे उस समय उनके साथ थे, यानी देखा जाके आए सज्जन भाई, आ तुझे जीसस से मिला हूँ, जीसस से मिला हूँ, कौन, अरे आ तो सही, अरे भाई साहब तूने तो जलवा नहीं देखा भाई बाबू जी का, अच्छा चलो दिखाता हूँ तुम्हें, एक 6 फुट का इंसान है, और जब से यीशु मसीह, वैसे तो रहता अपने अपने तरीके से यीशु मसीह के विषय में क्या हो रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, अपने अपने तरीके से क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट, आज लोग करते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, है लोग यीशु के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है नहीं, कोई भी भाई बहन यीशु मसीह की एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, चर्च की एडवर्टाइजमेंट करता है, ठीक है, पास्टर की एडवर्टाइजमेंट करता है। एक बहन मिली मुझे अभी, कह रही थी कि कोई एक बहन उसको मिली, कह रहे कि चलो हमारे चर्च में स्वर्ग मिल रहा है, वहाँ पे स्वर्ग लोग क्या काम होते हैं वहाँ, क्यों, केवल यीशु मसीह वही उसी जगह को स्वर्ग बना रखा है, है? जलंधर में ही केवल यीशु मसीह बसता है, है? चंडीगढ़ में यीशु मसीह बसता है, दिल्ली में यीशु मसीह बसता है, है? आज देखो इंटेंशन लोगों की क्या है कि सब यीशु मसीह को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, मेरा वाला अच्छा है, मेरा वाला है, मेरा वाला अच्छा है, मेरा वाला, हर तरीके से बंदा अपने अपने चर्च का झुंझुना बजाता है, मेरा वाला बढ़िया है, मेरा वाला बढ़िया, यीशु मसीह बढ़िया है ये नहीं बढ़ा, वो पता ही नहीं है। लेकिन बाइबल बताते हैं कि जब इसराइली लोग जब जरूसलम आए फसह के पर्व में, तो जो फसह के पर्व में लोग आए हुए थे उन्होंने अपने लोगों को साथ लिया, अरे आ ना भाई यीशु मसीह से मिलवाते तुझे, क्या हो गया, ऐसा क्या काम हो गया है भाई, बड़े बड़े काम देखे, अरे तूने बड़े बड़े काम देखे होंगे भाई साहब, 4 दिन का मुर्दा देखा है जिंदा हुआ है, 4 दिन का मुर्दा कौन जिंदा कर देगा भाई, हाँ अब आए ना लाइन पे, हाँ चल तुझे दिखाता हूँ किस बंदे ने जिंदा करा है, यही बात चल रही है बहनिया, यही बात चल रही है ना, जिसे मरे हुए से जिलाया था, है ना, यही बात चल रही है यीशु मसीह की एडवर्टाइजमेंट। आज लोग यीशु मसीह की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, चर्च की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आओ जी साढ़े नाल चलो,
है ना, तो सारे पटाखे फूटेंगे। हमारे चर्च में ये होता है, हमारे चर्च साठ है ना, वही आ गई ना बात अमिताभ बच्चन वाली, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे, हैं बाद में पता नहीं पता लग जा, बाद में पता लगता है ये कैश और फिर जो भी है हो जाता है। लेकिन आप यहाँ देखें कि इजरायली लोग, भीड़ की इंटेंशन ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यीशु मसीह के साथ जोड़ सकें। बाइबल बताती है कि भीड़ के लोगों ने उस समय उसके साथ थे ये गवाही देकर उसने लाजर को कब्र में से बुलाया कर जिंदा किया था, इस विषय में गवाही दी। गवाही नहीं देते आज लोग हैं, हाँ देखो यीशु मसीह, अरे गवाही भी बहन ऐसी ऐसी होती है, शैतान ने मुझे रोक लिया, हाँ तो ये तो रोकने बैठा था शैतान, मतलब भूख मारेगा ना पता भी नहीं लगेगा कहाँ पहुँचा तू, ठीक है, शैतान नहीं रोकता है। आप देखो जो लेवल का बंदा था यीशु मसीह का साथ, यीशु मसीह जिस लेवल पर था उसी लेवल पर शैतान ने उसके साथ उसका सामना किया और सीधा उसको क्रूस पर मृत्यु तक ले गया, ठीक है, वो उसके साथ का था। और उसके बाद यीशु मसीह के जाने के बाद यीशु मसीह के चेलों को किसी को है उल्टी सलीब दी थी, पतरस को उल्टी सलीब दिलवाई, किसी को जलते हुए खोलते हुए तेल के अंदर डाल दिया, ठीक है, खोलते हुए तेल के अंदर डाल दिया। और याकूब का जो भाई था जो बाद में विश्वासी बना था, सगा भाई, सगा नहीं याकूब का मतलब यीशु मसीह का जो भाई था सगा याकूब, उसको आरे के बीच में से, आरे की मशीन से बीच में से दो भाग कर दिया, ठीक है, गवाही नहीं देते यीशु मसीह में, प्रभु के बेटे बेटियां चर्च की गवाही दे देंगे, अपने जीवन की छोटी मोटी गवाही दे देंगे, लेकिन ऐसा मेरिकल की गवाही नहीं देंगे जहां मुर्दा जिंदा हो जाए, जहां यीशु मसीह में गवाही बने कि भैया ये तो असंभव काम था, संभव कैसे हो गया, यीशु मसीह में तो ये बहन के जीवन में तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन कैसे हो गया, ये वंडरफुल गवाही है। और इसके बाद 18वीं आयत, इसी कारण लोग उससे भेंट करने आए और क्योंकि उन्होंने सुना था कि उस पर आश्चर्यकर्म दिखाया है। देखा बहन यही बात आ गई ना, इसी कारण केवल लाजर की गवाही सुनकर लोग उससे मिलने आए, अच्छा मिलवा तो सही, कौन है भाई, देखे तो सही, जाने तो सही, यीशु मसीह को पहचाने तो सही। आज हमारा भी इंटेंशन सबका यही होता है कि हम जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनको जीसस के बारे में बताएं, है ना। लोग कहते हैं ठीक है हमारा तो नहीं होगा, तुम मिलवा दो यीशु मसीह से, मिलवाने का मतलब ये होता है तुम ही कर दो दुआ प्रार्थना, है ना जी, है, लेकिन आधा से ज़्यादा क्या होता है, चमत्कार को नमस्कार, तू करवा दे, अनिता बहने कंधे बंदूक चला लेते हैं, दोनों अनिता बहने कंधे बंदूक चला दे, काम कराओ, फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते, है ना, ये चलता है, ठीक है, यीशु मसीह में लोगों को मिलवाने का नतीजा। फिर आगे, इसी कारण लोग उससे भेंट करने आए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने आश्चर्य कर्म दिखाया है। जी 19वीं, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। अब भाई साहब पूरा फसे का मैदान खाली, ये वाला ही मक्खी मार रहा है, तेरा क्या है, यही है, उससे पूछा तुम्हारा पड़े जी पर सारे बकरे वगरे, तुम्हें लेने तुम ले जाओ, दे जाइए कुछ, सारे मक्खी मार रहे मैदान खाली, ठीक है। पर इसी लोग कलप गए, पादरी साहब हैं, सारे पादरी कलप जाते हैं, ठीक है, कलप गए बुरी तरीके से। मैंने कहा भाई साहब मजमा बैठाया, चलो इसको बाद में देखेंगे, ये समस्या करने दो इनको, काला सफ़ेद नीला पीला घोड़ा वोड़ा हाथी गंगा जैसा कर रहे करने दो, अभी जरूसलम आ गया, अब क्या करोगे। पादरी साहब बोले, दूसरे भाई साहब बोले, ऐसा है एक काम करो सारे,
एक एक दर्जन चूड़ियाँ लो, तुम सब डाल लो, ठीक है, चूड़ियाँ लो और डाल लो। है क्या बात हो गई, और क्या ऐसा क्या होता है, चूड़ियाँ डालेंगे और क्या? डायलॉग समझ रहे हो आप क्या लिखा है? फरीसी एक दूसरे से कह रहे हैं, सोचो इसको तुमने अब तक जिंदा क्यों छोड़ा है, ये तुमने जिंदा छोड़ने का नतीजा है, तुमने यीशु मसीह को जिंदा छोड़ा है तो तुम आज मक्खी मार रहे हो, तुमने इसको अपने ढील देकर अपने सर पर नाच रहा है आज, ये तो कहना चाह रहे, यही कहना चाह रहे ना कि फरीसी कह रहे हैं आपस में, कहा सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, अबे चूड़ी डाल लो भाई, बंद करो ये दुकानदारी। और दूसरा ये रास्ता मैं बता देता हूँ, नहीं तो भाई साहब वो चल जा रहे हैं यीशु मसीह, तुम भी चलो। हैं हम क्यों जाएंगे, हम तो सूट बूट वाले भाई साहब हैं, हम क्यों जाएंगे, फिर क्या करोगे, फिर आज अभी रखो भाई साहब, आप भी याद रखो, हाँ जी ये भी रख लिया, हाँ जी आप भी रखो, हाँ जी रख लिया, आप भी रखो, रखो आज अभी इसी समय अमित हम ये शपथ खाते हैं कि जब तक इस बंदे को नहीं निपटा देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। ये तो कहने का मतलब है कि संसार उसके पीछे पड़ गया, चला गया है, और इनके इनकी मतों को मारने वाला, इनको बहकाने वाला कौन था? दुष्ट आत्मा छेदीलाल। फरीसियों को अच्छी तरह पता है, भीड़ कह रही है जकरिया नबी की भविष्यवाणी पूरी हो रही है, नहीं पल्ले पड़ रही, पल्ले लटको है ना, संजीव कुमार साहब का गाना है पल्ले लट, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भविष्यवाणी बता रहे हैं लोग, भीड़, जबकि ये पाई साहब को देखनी चाहिए, लादू पे आ रहा है, अच्छे पे आ रहा है, ये बिछ रहा है, नारे लग रहे हैं, कहाँ से आ रही है, जान रहे थे कि वो व्यवस्था में लिखा हुआ पूरा हो रहा है, फिर भी खुदा के बिल्कुल अपोजिट, फिर भी खुदा की व्यवस्था के बिल्कुल अपोजिट, फिर भी खुदा की दया करुणा प्यार को छोड़कर नफरत बदले की भावना के से भरे हुए इंसान, और ऐसे ही कहते हैं भाई साहब चूड़ी पे चूड़ी वहां पहनकर बैठ जाओ, दुनिया के पीछे चल पड़ी है, और तुम्हारा जो सिस्टम वगैरह ना सब खतरे में है, लेकिन निपटा देगा ये जब तक रहेगा, ये सारे तुम्हारे जो चर्च वर्च चल रहे हैं जाने को वगैरह सब निपटा देगा ये अगर ये रह गया। इसीलिए इसके बाद आने वाले चार दिन में उन्होंने यीशु मसीह को टांग की, अब जी में जी आया, कबर में डाल के आ रहे हैं उसे, अब पानी पियो जूस है ना, जूस पियो, जूस से खोलो, जूस से खजूर खा के खोलो भाई, खजूर खा के अब निपटा दिया उसको, है ना, ज्यादा से ज्यादा चार दिन मिले है ना, चौथे दिन जब यीशु मसीह को टांगा उन्होंने, शाम को पार्टी करी होगी, आहा अब जान में जान भाई, खाओ भाई मुर्गे खाओ भाई, ठीक है बढ़िया से खाओ, शांति पड़ी, इतने दिन से उधम काटा हुआ था, कितने साल जिंदा रहा यीशु मसीह, 33.5 साल, 30 साल तक तो घर सांसारिक तरीके जीवन दिया, और प्रभु की सेवा कितने साल किया, 3.5 साल, देखो साढ़े तीन साल फरीसी लोग झेल नहीं पाए, भाई 3.5 साल में निपटा दिया उसे बढ़िया तरीके से, और सोच रहे आ हा 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 जयवंत हो गया, वो मारे मुड़ के भाई साहब किला उखाड़ दिया, और जिस भाई साहब ने गुड़ गड़वाने में जो महायाजक हुआ करता था अन्ना और कैफा है ना, उन्होंने ही बोला था अन्ना और कैफा, तो उनके तो लोगों ने बल्ले बल्ले कर दी होगी, ओए क्या चीज हुआ भाई साहब, निर्णय ले लिया अन्ना साहब आपने तो कर दिया काम आपने, हाँ भाई साहब यीशु मसीह को निपटा दिया बढ़िया तरीके से, उन्हें क्या पता था कि परमेश्वर की योजना क्या है। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह में लोगों को लेकर आते हैं, तो फरीसियों का क्या होता है, फरीसी का उल्टा देखें तो सिस्टम होता है, सिस्टम कहता है, सिस्टम समझ रहे हो, जो कोई विश्वासी बेटा बेटी बनता है छोड़ देता है, छोड़कर यीशु मसीह बिलीव करता है, तो फरीसियों की जगह वो सिस्टम आता है, फिर सिस्टम कहता है ओ तंत्र मंत्र जादू टोना मस्त कलंदर बन के घूम रहा है तू, है देख वो भी चली
प्रार्थना दुआ में चल पड़ी, लग गई है ना सरिता बहन, फिर तंत्र मंत्र मस्त कलंदर क्या कहता है, चले इसके पति को टाइट कर, कुछ नहीं बन पड़ता। फिर तंत्र मंत्र कहते हैं दो चार और दो मस्त कलंदर, तभी तो जाऊंगा जाऊंगा उसके आदमी के अंदर, उसके बापू के अंदर, उसके माँ के अंदर, है ना। ये फरीसियों का सिस्टम सांसारिक तरीके से फिर हावी होता है। फिर शैतान जो दुष्ट जो छेदी लाल होता है दोनों तरीके से वार करता है। विश्वासी अगर विश्वासी कोई प्रार्थना दुआ में लगाए कह रहा भाई इसको भी टांग दो चार लठ इसकी भी देना, विश्वासी तो मजबूत है, उन्हें दो चार लठ मारा कह रहा भाई साहब ये तो चिकना घड़ा है, इसको छोड़ो उसी को पकड़ो जो पुराना वाला जो अभी नया नया चल रहा है ना। फिर तंत्र मंत्र जादू टोना मस्त कलंदर सब उसके पीछे लग जाता है। क्यों? इसी वचन के अनुसार फरीसियों वाला कि कुछ नहीं बन पड़ता तुमसे, एक एक करके संसार जीसस के पीछे हो रहा है। आज ये आया, कल को ये आएगा, परसों को वो आएगा, तरसों को वो आएगा। प्रभु का वचन कहता है तू विश्वास कर तो तेरा घराना। भाई मस्त कलंदर तुम लोग तो बस यूं ही तंत्र मंत्र करते रहो, कुछ नहीं बन पड़ेगा तुमसे। इसीलिए फिर फरीसियों की तरह हैं ऐसे कैसे होगा, पड़े हैं मेरे पास बहुत सारे ब्रह्मास्त्र पड़े हैं, अभी करता हूँ बराबर। फिर वो कुछ दिन बाद भैया क्या करें, हम कितनी दुआ कर रहे हैं, कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, आ जा रहा है ससुरा, हमें प्रॉब्लम हो जा रही है, कितना दुआ प्रार्थना करें, है ना। सिस्टम अटैक करता है। फिर इसी कहते हैं नहीं ऐसे नहीं चलेगा खेल, हमने यीशु मसीह को टांग दिया था, तुम कहाँ गए, तुम तो अभी आए दो घंटे की दो दिन की, है ना, हमने तुम्हारे प्रॉब्लम को नहीं बख्शा। ये चीज़ें हमारे जीवनों में कई बार हमारे जीवनों में देखने वाली होती है कि हम कहाँ इस्टेब्लिश करते हैं, कहाँ हम खड़े हैं, है ना जी। खैर होता तो कुछ नहीं है, दो चार छः महीने के बाद यीशु मसीह में पार पाते हैं, वो तंत्र मंत्र जादू टोना कहता है हमें क्षमा करो, ठीक है हमें बख्श दो, हम तो हारे हुए हैं। लेकिन दुष्ट की ये बात सबसे अच्छी है कि वो पता होता है उसे कि वो हारा हुआ है, फिर भी वो हार नहीं मानता, वो लगा रहता है, चाहे वो दोनों अनीता हो, चाहे वो सरिता हो, चाहे वो सज्जन भाई हो, क्योंकि उसका विश्वास यीशु पर बड़ा है, जानता है, हाँ जानता है, भी विश्वास करता है ये जीत जाएगा। हाँ अगर मैंने बीच में पंगे ना डाले तो ये परिवार उधार पा जाएगा। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, जबकि उसे पता होता है, तो ये जानता है कि मैं हारा हुआ हूँ। लेकिन प्रभु के बेटे बेटियों को भी पता होता है कि यीशु मसीह ने इसको कुचला हुआ है, इसको हराया हुआ है, फिर भी बाबू जी भैया दुआ करो, पता नहीं मेरा पतीला सुधरता ही नहीं, पतीला कहीं ना कहीं से टेढ़ा हो जाता है, पतीला करे मेरी पत्नी नहीं सुधरती, मेरी पतीली कभी टेढ़ी जाती है, कभी करछा बोल जाता है, कभी चम्मच बोल जाता है, कभी ये है तो कभी वो है, कभी ये सुधारो तो कभी वो सुधारो, इसी में लगा। जबकि उनको अच्छी तरह से पता है, हम सबको पता है कि हमने हमारे प्रभु ने हमें जीत दिलाई है ना, हम जीते हुए हैं, शैतान को प्रभु ने कुचला हुआ है, तो शैतान हारा हुआ है। लेकिन फिर भी शैतान भी कहता है नहीं 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 ऐसे नहीं होगा अनिता बहन, तुम हारी हुई हो, हरा नहीं नहीं मैं जीती हुई हूँ, अरे हारी हो नहीं जीती हूँ हारी हो, अच्छा अभी रुको, पता लगा डिस करके हमारा एक्सीडेंट हो गया है, 10 दिन में तोता बांध के बैठ गए हम, ठीक है ना जी। यीशु मसीह में फिर हा 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 दुनिया के लिए दुआ करता फिरता है, अपने पैर में तोता लगा ठीक करा ना अब, है ना जी। तो ये तो दुनिया है, इसमें हम रहेंगे ठोकर भी लगेगी, इसमें रहेंगे खाने पीने के लिए भी चाहिए, इसमें रहेंगे रीति रिवाज भी बनाने, इसमें रहेंगे तो रिश्तेदारियाँ भी निभानी है, इसमें रहेंगे तो तौर तरीके भी निभाने हैं, जो विधि विधान है वो भी करने हैं, और ऊपर नीचे भी करना है, लेना है देना है, तो दुनिया में तो ये सब चीज़ें चलेंगी, ठीक है। अभी तो प्रभु ने कहा हम संसार में हैं, संसार के नहीं, हम संसार में हैं, हम संसार के नहीं है, ठीक है। संसार तो फिर अब मैं इस बात को कहूँ कि यीशु मसीह आपने मेरा पैर के साथ ऐसा क्यों होने दिया, है ना, तो गलत चीज है, ठीक है। वो अपना काम कर रहा है, ठीक है जी, भाई प्रभु का धन्यवाद करते हैं, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, हो सकता था अगर मैं यही अविश्वास में होता तो अब तक पासपोर्ट साइज लगी होती फोटो,
है ना जी कि नहीं, विश्वास में थे जी, जा रहे थे जी हैं, और एकदम से सामने से कार आ गई जी और ये हो गया। ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु दुष्ट ने बोला भाई साहब ये छोटा सा एक वो करना है, इसमें कहा ठीक है भाई कर ले, मेरे मेरी सेवा करता, ध्यान से रह, ध्यान से करना, ठीक है जी। प्रभु ने पैर में दिया, थोड़ा सा कंधे में लगी, यीशु मसीह के नाम से खड़े होकर चल पड़े। है ना जी, कभी आपने चोर चक्कू देखा है, बस में पकड़ लिए जाएं, कहीं भी पकड़ लिए जाएं, उनका देखा सिस्टम है? है जब पकड़ लेते हैं ना तो दुनिया उनको बड़े तरीके तबीयत से मारती है, बहुत सेवा करती है उनको बढ़िया सी, और वो भी ऐसे हो जाएगा निडाल, जिधर को आप इधर को फेंकोगे ना वो इधर को गिर जाएगा, वो इधर गिर जाएगा, ऐसे अधमरा हो जाएगा, लोग जान बुझे कम मारे, और बाहर से कई बार उसे मार मुड़ के फेंक भी देते हैं। बंदा बस चली, क्योंकि मैंने देखा है, बस चली बंदा उठा, बंदा उठा और भाई साहब ये गया वो गया है। तो इसी तरीके से मैं और आप यीशु मसीह में विश्वास में इतना मजबूत रहना चाहिए, प्रभु में हमें आनंदित और इंजॉय रहना चाहिए कि यीशु मसीह ये आफतें क्या हैं, इससे कहीं ज्यादा आफत तो आपने झेली है, इससे ज्यादा तकलीफ तो आपने झेली है। बताओ देखो, प्रभु को जानने वाले, व्यवस्था को जानने वाले लोग ही परमेश्वर के बेटे के बेटे के खिलाफ हो गए हैं। उसको 40 कोड़े और दुनिया की सबसे भयंकर थर्ड डिग्री इसको दी, दिलवाई, जबकि बेकसूर सब चीज़ें किसके लिए, मेरे और आपके लिए, ये दिखाने के लिए कि आज भी यीशु मसीह हमारी दुख में, हमारी तकलीफ़ों में हमारी परवाह करता है, हमारी चिंता करता है। है ना, लोग दुख में आते हैं, तकलीफ में आते हैं, इस पल तो याद कर लिया है, उस पल में जब दुनिया में जाते हैं तो सारी बातें हवा हवाई, सारी बातें लगता ही नहीं है कि वो यीशु मसीह में बंदा है या नहीं, वचन भी हवा हवाई, यीशु मसीह में पता ही नहीं लगता बंदा यीशु मसीह में है भी या नहीं। इस तरीके से दो चित्ते वाला जीवन नहीं होना चाहिए। हम प्रभु में विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह में घमंड करते हैं, हम यीशु मसीह में फोकस करते हैं, हमें यीशु मसीह का ध्यान है, हमें उसके वचन का ध्यान है, तो हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि प्रभु सुख आए, दुख आए, बीमारी आए, स्ट्रगल आए, यीशु मसीह मुख से केवल, यानी मुंह से केवल तेरा धन्यवाद आए, तेरा नाम आए, प्रभु तू ही है मेरे जीवन का रखवाला, तू ही है मेरे जीवन को चलाने वाला, मेरे घर परिवार को संभालने वाला तू है। तो यीशु मसीह मुझे और आपको खजूर की तरह लंबा लेके जाएगा, ठीक है। हमारी प्रार्थना संगति विश्वास की तरह वो ऊपर जाएगा, और विश्वास के फल फिर ऊपर लगते हैं, ताकि दुष्ट है ना आपके पास मेरे पास आए तो विश्वास के लिए ना, विश्वास का फल देने के लिए पहले तो गर्दन देखें, बहुत दूर लगे, ठीक है, फल लेने के लिए पहले तो गर्दन लगाए इतनी ऊँची, फिर क्या है यार कि फल भी इतने ऊपर लगे। खजूर का महत्व है बाइबल के अंदर, यीशु मसीह धर्मी जनों को खजूर बनाता है, कि प्रार्थना में जितना आप मैं और आप पढ़ते हैं, प्रभु हमें खजूर कहता है, खजूर की तरह हमारा लाइफ फलवंत करता है, उम्र लंबी करता है, ठीक है। जो प्रार्थना दिमाग होते हैं उनकी लाइफ लंबी होती है, फिर ऊपर जाकर उनके अंदर आत्मा के फल लगते हैं, खजूर फलवंत होता है, ठीक है। आप किसी को छाया दें या ना दें, लेकिन एक सिस्टम है, ठीक है। खजूर के अंदर जो फल आता है, नारियल हो गया है ना, कभी आपने सोचा है नारियल के अंदर पानी कौन से पानी की मशीन से पहुंचाया जाता है? आजकल तो मशीनें आ गई हैं, 15 मंजिल की बिजली है, बोला है इतनी बड़ी हॉर्स पावर की मशीन, 15 मंजिल पानी चढ़ाने वाली है ना। अब बताओ खजूर के पेड़ पर कौन से पानी की मशीन लगा रखी है, वो फल के अंदर पानी होता है, जमीन से लेता है, जमीन से पानी लाते हैं, जमीन से यीशु मसीह जिसको दिखाता है कि खजूर में जब हम प्रभु के नाई जब खजूर के नाई फलवंत होते हैं, प्रार्थना दुआ में बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, तो यीशु मसीह हमारी लाइफ के अंदर जो फल देता है
वो मीठा और अंदर का जो जल है वो स्वादिष्ट होता है। हमारी लाइफ को यीशु मसीह ब्लेस करता है, ठीक है, हर जगह नहीं मिलता है आपको कभी, है ना। और जो कौन सा एरिया होता है, नदियों वाला एरिया होता है ना, पानी वाला जहाँ एरिया होता है वहाँ पर आपको खजूर के पेड़ मिलते हैं, ठीक है। वो पानी खींचते हैं, खींचने के बाद अंदर देखें कि वो जो तने होते हैं उनके अंदर जो चीज़ें होती है वो सिस्टम पानी खींच के ऊपर बढ़ाता है, पहुँचाता है पानी नारियल के अंदर, है ना। कितना भयंकर काम प्रोड्यूस होता है। अब मुझे और आपको 15 मंजिल पानी बाल्टी ले जानी हो तो पता लगता है जीभ लटक के बाहर आ जाएगी, जीभ लटक के बाहर आ जाएगी 15 मंजिल पानी के लिए, हॉर्स पावर की मशीन लगानी पड़ती है ना, तब जाके पानी चढ़ता है। तो खुदावन यीशु मसीह मुझे और आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। आज खजूर का त्यौहार है, विश्वास से प्रभु के बेटे बेटियों ने मनाया है। मैं भी इस बात में विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह जरूसलम में आज के दिन प्रवेश किया, तो आज के दिन मतलब अपने आप जब अपने घरों में जाएं तो रात को प्रभु से प्रार्थना करना, सोने से पहले प्रभु आज आप जरूसलम में आए, आज जरूसलम मेरा जीवन है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, प्रभु मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे जीवन में आपको देने के लिए तो खजूर की तरह मेरी बैड क्वालिटी है, मेरे कपड़े हैं बैड क्वालिटी हैं, मेरे जो पाप हैं अधर्म है वो मैं आपकी राहों में बिछाता हूँ, मैं अपना लाइफ आपको चरणों में दे रहा हूँ। यीशु मसीह आप मेरी लाइफ को ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें। अब मुझे वो गधी बनाएं जिस पर आप सवार हो सकें, वो मुझे वो इंसान बनाएं जिस पर आप मेरे जीवन का भार मैं आपको दे सकूँ, आप मेरे साथ मेरी लाइफ में चल सकें। यीशु मसीह को आप अपने जीवन में शामिल करें, ठीक है। जैसे वो गधी को लोगों ने लाके दिया और उस पर वो बैठा, वो मेरी और आपकी लाइफ में बैठे, वो आए और जब आएगा तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इससे पहले उस गधी की वैल्यू नहीं थी, और ये कुछ घंटों के बाद, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने घंटे का मानेंगे जो भी यीशु मसीह के साथ लोगों ने किया, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, है ना, पूरे पूरे दिन तो यीशु मसीह कहीं बैठा नहीं था, ठीक है। यीशु मसीह गधे से बाद में उतरा, बाद में वो गधा सोचता होगा जहाँ कहीं भी पहुँचा होगा ये कैसे लोग, जब वहाँ बैठा था तो भाई साहब बल्ले बल्ले ये और वो, मैं तो सोच रहा था मेरी हो रही थी, मेरी जय जयकार होती, मतलब यीशु मसीह को भी लोग मतलब आदर सम्मान दे रहे थे, मुझे भी पत्ते दे रहे थे, बढ़िया बढ़िया तोड़ तोड़ के ला के बच्चे खिला रहे थे, अब कोई सा भी नहीं आ रहा। यीशु मसीह के बगैर मैं और आप कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 3-4 घंटे के बाद वो गधे की भी कोई वैल्यू नहीं थी, वैल्यू तब तक थी जब यीशु मसीह उस गधे के साथ था, है ना। तो प्रभु मुझे और आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। आइए प्रभु में हम प्रार्थना करें। खुदावन यीशु।